दिल्ली के रामलीला मैदान में आज बीजेपी ने की युवा विजय संकल्प रैली। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा कार्यकर्ताओं में भरा जोश। शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की, कहा पीएम मोदी देश की पहचान और गरीबों के भगवान। भारत में गरीबों के भगवान है नरेंद्र मोदी जी, भारत का सम्मान है नरेंद्र मोदी जी, देश की नई पहचान है नरेंद्र मोदी जी। मनोज तिवारी, अनुराग ठाकुर, पूनम महाजन ने भी रैली को किया संबोधित। 30,000 युवा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने का दावा। दिल्ली की महासंकल्प रैली से पहले बीजेपी ने दिया नया नारा, फिर नमो सरकार। इस नए नारे की मिशन 2019 में रहेगी गूंज। महागठबंधन की तैयारी के बीच पीएम मोदी का पलटवार, कहा पहले राजनीतिक कार्यकर्ताओं को समझा जाता था दलाल, अब उन्हें कहा जाता है मां भारती के लाल। महाराष्ट्र पुणे में यूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम बोले, ये बंधन तो नामदार भ्रष्टाचार नकारात्मक अस्थिरता का है। पीएम ने कहा सच्चाई छिपने नहीं। कल महागठबंधन के मंच पर जिस समय लोग देश और लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रहे थे, एक व्यक्ति ने बोफोर्स घोटाले का जिक्र कर दिया। मोदी ने गोरखपुर का दौरा एक दिन आगे बढ़ाया, अब 23 जनवरी के बजाय 24 को जाएंगे गोरखपुर किसान सम्मेलन में देंगे भाषण। 23 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर बड़ा ऐलान संभव। मोदी सरकार किसानों का 2 लाख तक का कर्ज कर सकती है ब्याज मुक्त। ममता की रैली में भाषण देने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर बीजेपी करेगी बड़ी कार्रवाई, सिन्हा को पार्टी से निकालने की तैयारी। स्वाइन फ्लू से उबरकर एम्स से घर लौटे अमित शाह, एक दो दिन में ले सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा पर फैसला। बिहार में बीजेपी के युवा मोर्चा ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ किया प्रदर्शन, ममता की रैली में जाने से नाराज। झारखंड के मंत्री बीजेपी नेता आरसीपी सिंह का आरोप, शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस थाली में खाया उसमें छेद किया। सीएम नीतीश कुमार ने मिशन 2019 के मद्देनजर जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक की, मुख्यमंत्री के घर पर बनी रणनीति। संगरूर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह पर किया वार, कहा मोदी अमित शाह की जोड़ी ने 5 साल देश को लूटा, फिर सत्ता में आए तो देश को बर्बाद करेंगे। केजरीवाल पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटों पर आप के चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, साथ ही मोदी शाह को हराने के लिए महागठबंधन की बताई जरूरत। मेरठ में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने किया रोड शो, समर्थकों ने सरेआम लहराया हथियार। चंद्रशेखर ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का विरोध किया, बोले भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत, हम चमड़ा उतारना जूता बनाना उसे सर पर मारना भी जानते हैं। तो एक बात बहुत गौर से सुन लो, झंडा और डंडा भीम आर्मी का दोनों मजबूत, हम आज भी चमड़ा उतारना जानते हैं जी, जूता बनाना जानते हैं, जूता सर पे मारना। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बीजेपी नेता मनोज ठाकरे की हत्या के बाद धरने पर बैठे नेता, नहीं उठाने दिया शव, कलेक्टर के ठोस भरोसे पर ही तोड़ेंगे धरना। मध्य प्रदेश में 2 दिन में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज और मनोज के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की। मंदसौर में 2 दिन पहले की गई थी बीजेपी नेता की हत्या, आज बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। बलिया पहुंचे शिवपाल यादव ने सीएम योगी को बताया ईमानदार मुख्यमंत्री, बोले उनकी ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट। सीएम योगी की तारीफ फिजा, शिवपाल ने पीएम मोदी का किया विरोध, कहा मोदी को हराने के लिए और हटाने के लिए उनकी पार्टी करेगी त्याग, राहुल करें बातचीत तो हम गठबंधन को तैयार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार पहले दिए बयान से पलटे, कांग्रेस राम मंदिर को मुद्दे में घोषणा पत्र में शामिल करे तो हम उसके बारे में कर सकते हैं विचार, बाद में पलट गए। कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। बीएसपी का कार्यकारी अध्यक्ष ने कांग्रेस के समर्थन के लिए रखी एक और शर्त, का स्वयंसेवकों के कांग्रेस में शामिल होने पर भी पार्टी हटाए प्रतिबंध। बीएसपी ने कांग्रेस के सशर्त समर्थन की बातों के बीच राहुल गांधी पर भी वार किया, कहा सिर्फ जनेऊ पहनने से कुछ नहीं होता। उसने जो प्रतिबंध लगाया है कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में नहीं जा सकते, उस प्रतिबंध को वापस ले, केवल जनेऊ पहनने से नहीं होगा। बाद में दी सफाई, कहा कांग्रेस का समर्थन करने को नहीं कहा, राम मंदिर मुद्दे पर वीएचपी जुटा रही है सभी दलों का समर्थन।
शंकराचार्य स्वरूपानंद बोले, मंदिर निर्माण के लिए सबसे पहले शिलान्यास जरूर, जो अयोध्या में अब तक नहीं हुआ। इसे करने से शंकराचार्य ने कहा, कोई भी राजनीतिक दल चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, नहीं करा सकता राम मंदिर निर्माण। शंकराचार्य बोले, राजनीतिक दलों को चाहिए सत्ता और सत्ता में लेनी पड़ती है धर्मनिरपेक्षता की शपथ, फिर कैसे कर सकते हैं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे का निर्माण। राम मंदिर से सरकार से नाराज साधु संतों का बड़ा ऐलान, कुंभ के बाद नागा सन्यासियों की अगुवाई में अयोध्या कूच करेंगे साधु संत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी को बताया पापी, कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बीजेपी ने किया अपमान। रावत ने त्रिवेंद्र सिंह पर गोत्र को लेकर साधा निशाना, कहा मैं हूं रघुवंशी, त्रिवेंद्र सिंह शायद मोदी वंशी। राम माधव ने राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस को बताया रोड़ा, देरी के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ममता की रैली में पहुंचने वाले विरोधियों पर किया पलटवार, कहा विपक्ष का कहना है मोदी हटाओ, मोदी जी का कहना है मजबूत देश बनाओ। जावड़ेकर बोले, ममता विपक्ष को चाहिए मजबूर सरकार, क्योंकि ऐसी सरकार में नीतियां स्वार्थ से भरी जाती हैं, जनता तय करेगी उन्हें मोदी चाहिए या गुमनाम चेहरा। कैफे आजमी पर बन रही फिल्म की शूटिंग में आजमगढ़ पहुंची शबाना, मोदी योजनाओं को सराहा। सबरीमला विवाद में बीजेपी नेताओं की 49 दिनों से भूख हड़ताल जारी, सचिवालय के बाहर धरना। 10% आरक्षण लागू करने वाला हिमाचल बना दूसरा राज्य, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी हरी झंडी। दिल्ली के तिहाड़ गांव में जनता ने आपके विधायक कांग्रेसी पार्षद को एक साथ बुलाकर अपनी समस्याएं सुनाई, भविष्य में समस्या दूर करने का वादा लिया। फिल्म दुनिया में सियासी मैदान में उतरे अभिनेता प्रकाश राज, बेंगलुरु में प्रचार। ग्वालियर झांसी हाईवे पर हादसा, ढाबे पर खड़े ट्रक में तेज रफ्तार कार टकराई, सेना के जवान की मौत। दिल्ली में डिवाइडर से पलटी तेज रफ्तार कार, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। दमोह में दर्दनाक हादसा, झोपड़ी में आग लगने से माता पिता समेत 5 बच्चों की मौत। भुवनेश्वर में एम्स की 6ठी मंजिल से गिरने वाले मरीज की मौत, 4 दिन से आईसीयू में था भर्ती। वाराणसी रायबरेली में रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में मिलेगी चाय, रेलवे ने मानी सिफारिश, बांटे गए चाक। आरा में फौजी समेत 2 लोगों को अपराधियों ने मारी गोली, प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती। मोतिहारी में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, मुखिया के घर पर सोए 2 लोगों को मारी गोली। शराबबंदी के बीच बक्सर में धड़ल्ले से हो रहा है शराब का कारोबार, 76 लाख की अवैध शराब, 2 गिरफ्तार। फतेहाबाद में पुलिस ने ड्रग तस्कर को 0.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। मथुरा पुलिस ने अवैध तौर पर रह रहे 6 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, इनके खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। राजस्थान के वाले से विधायक ज्ञान चंद पारिक का वीडियो वायरल, हाथ में तंबाकू का पैकेट लिए लोगों को संबोधित किया। यूपी के फिरोजाबाद में एमएलसी दिलीप यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने निकाली मोटरसाइकिल यात्रा। यूपी के सिद्धार्थनगर में खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान, विक्रेताओं पर तय कीमत से ज्यादा पैसा मांगने का आरोप। फरुखाबाद में 11 साल की लड़की से दरिंदगी, बलात्कार के बाद हत्या। लखनऊ पुलिस ने एक शख्स को महिला को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया, अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की देता था धमकी। भैयू जी महाराज के आत्महत्या के मामले में पुलिस ने एक ही महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, गिरफ्त में आए लोगों में भैयू जी का खास सेवादार शामिल। भैयू जी की मौत के केस में इंदौर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, भैयू जी पर बनाती थी एक लड़की शादी का दबाव। अलीगढ़ में 6 गायों की मौत पर हंगामा, कोल्ड स्टोरेज से फेंका गया कचरा खाने से मौत। कोलकाता के गरियाहाट में इमारत में आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। हरियाणा के बलबल में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, 4 पर आरोप।
श्रीनगर में बर्फबारी से हर तरफ बिछी सफेदी लुढ़का पारा। जम्मू कश्मीर हिमाचल के लिए 72 घंटे भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में 20 से 21 जनवरी तक भारी बर्फबारी की आशंका, 1.5 से 2 मीटर तक बर्फ गिर सकती है। उत्तरकाशी में छाए बादल, बारिश की संभावना, बर्फबारी के चलते पड़ रही है कड़ाके की ठंड। औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड, चमोली समेत ऊंचाई वाली जगहों पर एक बार फिर से बदला मौसम का मिजाज, 2 दिन बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल में भारी हिमपात की चेतावनी, सैलानियों को भारी बर्फबारी वाले इलाकों से बचने की सलाह। शिमला में कड़ाके की ठंड, माइनस में न्यूनतम तापमान। कुल्लू मनाली में -3 डिग्री का टॉर्चर, बर्फीली सर्द हवाओं से और गिर गया टेम्परेचर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते मैदानी इलाकों में मौसम बदला, कई इलाकों में बारिश। दिल्ली NCR में अगले 24 से 72 घंटों में बादलों की आवाजाही रहेगी, 21 जनवरी को हो सकती है बारिश। यूपी के मुजफ्फरनगर में लड़कियों के 2 गुटे आपस में भिड़े, बीच सड़क हॉकी और बेल्ट से जमकर पिटाई। हरियाणा के फतेहाबाद में बिजली कनेक्शन काटे जाने पर बेफरा परिवार, सरपंच और जेई के साथ मारपीट। बिहार के हाजीपुर में बीएड कॉलेज में मनमानी के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा, कई जगहों पर जाम। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में वन विभाग की सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े, पिटाई का वीडियो वायरल। इंदौर में टोल प्लाजा पर घुंडा कर दी, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।